आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं, कमल और दीपक लंबी सड़क पर चले जा रहे थे। मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सड़क पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, एक दो गाड़ियां आना जाना कर रही थी। सड़क के एक तरफ लंबी लंबी झाड़ियां थी और दूसरी तरफ एक संकरा सा नहर। आकाश बिल्कुल साफ था, तारे साफ नजर आ रहे थे। हम दोस्त 10 बजे ऐसे ही बातें करते गाना गाते चले जा रहे थे। अचानक सड़क पर पड़ी खाली कोक की कैन को दीपक ने लात मारी, कैन लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। तभी कमल ने धीरे से कहा, भाई रात को किसी भी चीज को ऐसे नहीं मारनी चाहिए और ना ही किसी अजीब चीज को देखकर टोकना चाहिए। हम कमल की बातें सुनकर थोड़ा डर गए, पर डर को छिपाते हुए दीपक ने बोला, ये सब कुछ नहीं होता, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, वो खाली कहनी तो था, कोई भूत थोड़ी था। बोल के दीपक हंसने लगा। तभी कमल ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है, तुम दोनों को बहुत पसंद आएगी। हम भी तैयार हो गए। कमल ने कहानी शुरू की। कमल ने बताया, ये कहानी उसके हिस्ट्री टीचर के साथ हुआ था जब वो हॉस्टल में रहते थे। उस समय मनोरंजन के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे, ना फोन, ना लैपटॉप और ना ही टीवी हुआ करता था, और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक मनोरंजन के सामान। फिर भी लोग बहुत खुश रहते थे और मनोरंजन के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते थे। उन्होंने बताया कि उनके हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, रवि, पुनीत और राजेश। तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों ही पढ़ने में, शरारत करने में, खेल में, सब चीज़ में आगे थे, इसलिए सब उनको पसंद भी करते थे और इसी बात का फ़ायदा भी उन लोगों को मिल जाता था। जब भी वो शरारत करते पकड़े जाते तो उनको समझा के छोड़ दिया जाता था। एक रात की बात है, उन सब ने आपस में बात की तो रवि ने कहा, यार बहुत दिन लगातार पढ़ाई करके बोर हो गए हैं, आज मूवी देखने चलते हैं। तो इस पर पुनीत बोला, रवि तू बोल तो सही रहा है पर अचानक कैसे जाएंगे यार। तो इस पर राजेश बोला, भाई मेरे पास एक आइडिया है, रात 9 बजे वाले शो में चलते हैं, सबको बोल देंगे कि तबीयत खराब है और सोने चले जाएंगे और एक सही मौका देख के निकल लेंगे, क्या कहते हो तुम लोग। तो इस पर रवि ने कहा, सही कहा राजेश, आज रात ऐसा ही करते हैं। उस रात तीनों ने ऐसा ही किया और अपने हॉस्टल से 6 किलोमीटर दूर एक थिएटर में मूवी देखने चले गए। उस टाइम या तो वो पैदल जाते थे या साइकिल से, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो तीनों एक ही साइकिल पर चल दिए। रात अंधेरी थी तो उन्होंने अपने साथ एक टॉर्च लाइट भी रख लिया। मूवी हॉरर थी, मूवी खत्म होते होते रात 12 बज गए। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, कोई रिक्शा से, कोई अपनी मोपेड से, तो कोई अपनी साइकिल से, सब लोग धीरे धीरे अपने घर को चले गए। पर इनके हॉस्टल का रास्ता दूसरी तरफ था और ये तीनों मूवी देख के बहुत डर भी गए थे। तो इस पर राजेश ने कहा, भाई मेरी मानो तो आज हॉस्टल नहीं जाते हैं, बहुत डर लग रहा है। तो इस पर पुनीत बोला, बेटा आज हॉस्टल नहीं पहुंचा ना तो कल क्लास लग जानी है, कुछ भी हो आज तो हॉस्टल जाना ही होगा। तो इस पर रवि बोला, पुनीत सही कह रहा है, तो राजेश डरने से क्या होगा, मन से डर को निकालते हैं और हॉस्टल चलते हैं, वैसे भी ये सब फिल्में काल्पनिक होती हैं, ये हमारे मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। तो इस पर पुनीत हंसते हुए बोला, जंगल के भूतों से तो हम बच जाएंगे पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा। बोलकर तीनों हंसने लगे और साइकिल लेकर हॉस्टल की ओर चल दिए। हॉस्टल और थिएटर वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था, वो बहुत डरावना
और अंधेरे भरा था। जब ये लोग वहां से गुजर रहे थे तो तीनों बहुत डरे हुए थे। टॉर्च की लाइट में रास्ता देखते देखते धीरे धीरे साइकिल चला रहे थे। तभी साइकिल के आगे बैठे रवि ने बोला, भाई ये पेड़ पर क्या लटक रहा है? सुनते ही पुनीत ने साइकिल रोक दी। तभी राजेश, जो साइकिल के पीछे बैठा था, उसने बोला, भाई नीचे नहीं, पेड़ पर देखो। तीनों ने जैसे ही पेड़ पर देखा तो वो लटकता हुआ हाथ उनके साइकिल के हैंडल पर आ गिरा। ये देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने झट से साइकिल छोड़ा और तीनों दौड़ते हुए हॉस्टल की ओर भागने लगे। मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक कटा हुआ हाथ पेड़ के ऊपर से उनकी साइकिल पर आकर गिरा कैसे। मगर वो तीनों बिना सोचे समझे भागते रहे। अभी वो लोग भाग ही रहे थे कि तभी पुनीत और रवि ने एक बार थोड़ा रुक कर पीछे पलट कर देखा तो पाया कि उनका दोस्त राजेश वहां नहीं है। मगर वो गया कहां, अभी तो साथ ही भाग रहा था। जिस पर रवि ने कहा, भाई भाई राजेश कहां है? इस पर पुनीत बोला, पता नहीं, अभी तो साथ ही भाग रहा था। तो रवि बोला, उसे ढूंढना होगा। इतना कहकर वो तीनों वापस पीछे की ओर जाने लगे। अभी वो लोग थोड़ा पीछे गए ही थे कि तभी उन्हें राजेश के चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो तीनों उस आवाज की ओर भागे और भागते भागते वो लोग उसी पेड़ के पास पहुंच गए। तो वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनकी चीख निकल गई। दरअसल वहां उस पेड़ पर एक बहुत ही भयानक सा दिखने वाला आदमी, या यूं कहें तो एक शैतान लटक रहा था। राजेश वहीं जमीन पर पड़ा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था मगर हिल नहीं पा रहा था। उस शैतान की शक्ल बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखों में लाल रोशनी थी और सर पर दो सींग भी थे। तभी पुनीत ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पुनीत के ऐसा करते ही वो शैतान छटपटाने लगा और राजेश अब हिल पा रहा था। तो उसके उठते ही वो लोग भागकर सीधे हॉस्टल पहुंच गए और उस दिन के बाद से वो लोग कभी भी उस जंगल में नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। आज से काफी सालों पहले जब मेरी उम्र महज 19 वर्ष की थी, तब मेरे साथ एक घटना घटी थी। इस घटना ने मेरे भूत प्रेत देखने का नजरिया ही बदल दिया। पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों को एक सिरे से ही नकार देता था, मगर इस घटना के बाद से भूत प्रेत का नाम सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय मेरे भैया को छोड़कर हमारा पूरा परिवार गांव में रहा करता था और मेरे भैया शहर में रहकर काम किया करते थे, जिस कारण भैया काफी दिनों के बाद बाद छुट्टियों में गांव आया करते थे। उस समय मैं पढ़ाई के साथ साथ खेती में अपने पापा का हाथ बटाया करता था। एक दिन मैं दोपहर के 12 बजे अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि तभी हेमंत भागता हुआ मेरे घर आया और बोला, भानु चल, तेरे भैया ने फोन किया है। असल में हेमंत मुखिया जी का बेटा है और मेरा काफी अच्छा दोस्त है। उस समय हमारे पूरे गांव में एक ही लैंडलाइन फोन हुआ करता था मुखिया जी के घर में, और मेरे भैया को जब भी हमसे बात करना होता था तो वो मुखिया जी के लैंडलाइन पर ही कॉल किया करते थे। हेमंत की ये बात सुनने के बाद मैं भागता हुआ उसके घर गया तो मेरे भैया से बात करते ही भैया ने कहा, भानु मैं आज आ रहा हूँ तो तू रात को स्टेशन साइकिल लेकर आ जाना,
भैया के मुंह से ये सुनते ही मैं काफी खुश हुआ और मैंने भैया से कहा, वो तो ठीक है भैया, मैं तो आ जाऊंगा, मगर आप कितने बजे आ रहे हैं? इस पर भैया ने कहा, मैं रात के 11 बजे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, तो तू रात के 10 बजे घर से निकल जाना। इतना बोलकर भैया ने फोन रख दिया, जिसके बाद मैं भागता हुआ अपने घर गया और घर वालों को पूरी बात बताई, तो मेरी बात सुनकर घर वाले काफी खुश हुए, जिसके बाद माँ भैया के पसंद का खाना बनाने में लग गई। पापा भी भैया के आने की खबर सुनकर काफी खुश थे। फिर मैं और पापा खेत चले गए और 2 घंटे बाद खेत से वापस लौटे। 10 घंटे का ये समय तो मानो बीत ही नहीं रहा था। खुशी के मारे ना तो हमसे खाया जा रहा था और ना ही नींद आ रही थी, बस हमारी निगाहें खुद ब खुद बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। ऐसे तो मैं हर दोपहर को सो जाया करता था, मगर आज मैं खुशी के मारे सो नहीं पाया। खैर, 10 घंटे 10 साल की तरह बिताने के बाद अब वो वक्त आ ही गया जब मुझे स्टेशन जाने के लिए घर से निकलना था। तो मैंने फटाफट से अपना साइकिल निकाला और घर वालों को आता हूँ बोलकर स्टेशन की तरफ चलता बना। उस समय हमारे गांव में रात के 10 बजना यानी काफी रात, जिस कारण घर के बाहर निकलते ही मैंने देखा कि बाहर का माहौल एकदम ही वीरान सा हो गया था। हालांकि ये तो मुझे पता ही था कि हमारे गांव के लोग अंधेरा होने के बाद काफी कम निकलते हैं और रात को जल्दी सो जाया करते हैं, तो इतनी रात गए बाहर कौन होगा। खैर, मैं वहां खड़े खड़े समय जाया ना करके स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस वक्त हमारे गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे आगे का रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ते के किनारे घने जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी। खैर, भला तो हो इस बात का कि उस समय हम सभी लोग अपने साथ रात के वक्त एक टॉर्च रखा करते थे, जो रात के अंधेरे से लड़ने के लिए एक हथियार का काम किया करती थी। तो मैंने अपना टॉर्च निकाल कर जलाया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। चारों तरफ इतना सन्नाटा फैला हुआ था कि मेरे साइकिल चलाने की आवाज काफी तेज सुनाई पड़ रही थी, जिससे मुझे काफी डर लग रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर साइकिल की आवाज सुनकर मुझ पर हमला न कर दे, क्योंकि उस समय हमारे गांव में जंगली जानवरों का आतंक काफी ज्यादा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें उस पूरे माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। हमारे यहाँ से स्टेशन करीबन 45 मिनट का रास्ता था, तो मुझे अभी काफी देर साइकिल चलाना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक कच्चे रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा वीरान था। ऊपर से कच्चा रास्ता होने के कारण मुझे साइकिल चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल एकदम से रुक गई। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, चलती साइकिल अचानक से कैसे रुक सकती है? मैंने तो ब्रेक भी नहीं दबाया। मैं पैंडल मारकर साइकिल आगे बढ़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर मेरी साइकिल थी जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही, कहीं साइकिल के नीचे कुछ फंस तो नहीं गया। ये सोचकर जब मैंने अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से घूमने लगा। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी साइकिल किसी चीज में फंसी नहीं थी,
बल्कि एक आदमी पेड़ के ऊपर बैठकर अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरी साइकिल को पीछे से पकड़कर रखा था। मगर किसी का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता है? जिसके बाद मैंने अपनी टॉर्च की लाइट को पेड़ के ऊपर बैठे उस आदमी की ओर घुमाई तो उस आदमी के ऊपर टॉर्च की लाइट पड़ते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे शरीर में खून की जगह करंट दौड़ने लगा और मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। साथ ही साथ उसके सिर पर दो सींग भी निकले हुए थे। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है और शायद वो शैतान अब मुझे भी मार डालेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, कि तभी उस शैतान ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ लिया। अब मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ चुका था और मैंने अपने आप को मरा हुआ मान लिया था। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर उस शैतान के हाथों से अपने गले को छुड़ाने लगा और शायद उस दिन मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा हुआ था, जिस कारण उस भूत के हाथ से मैंने अपना गला छुड़ा लिया और मैं सीधे भागता हुआ स्टेशन पहुंचा, जहां मेरे भैया मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती भैया को बताई और मैं उनके साथ वापस घर आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये घटना आज से काफी साल पुरानी है, जब मैंने काफी मशक्कत करके एक ऑटो लिया था। भले वो ऑटो सेकेंड हैंड जरूर था मगर मेरे लिए नए से कम नहीं था। उस समय मैं अपने गांव का पहला इंसान था जिसने ऑटो रिक्शा लिया था। पहले पहले तो मेरे गांव के लोग ऑटो में चढ़ने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी डर खत्म हो गया। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए और अब मुझे अच्छा खासा भाड़ा भी मिलने लगा। ज्यादातर मैं ऑटो को गांव के बस स्टॉप पर खड़ी करता, क्योंकि बस स्टॉप से ही मुझे ज्यादा सवारी मिलती। ऑटो चलाकर अब मेरी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी थी और मेरे घर की आर्थिक हालत भी काफी सुधरने लगी थी। ठीक ऐसे ही एक दिन सुबह से छमछमाती बारिश के कारण रास्ते पर इंसान ना के बराबर दिख रहे थे, जिसका साफ साफ असर मेरे धंधे पर भी पड़ रहा था, क्योंकि आज मेरी कमाई बाकी दिनों से काफी कम हुई थी। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं बस स्टॉप के बाहर अपनी ऑटो लेकर किसी सवारी के इंतजार में डटा रहा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मुझे कोई सवारी नहीं मिली तो मैं निराश होकर घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। तो उस समय वक्त शाम के 5:30 बजे का हो रहा था। अभी मैं ऑटो स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी एक आदमी चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब भूतगढ़ गांव चलोगे? भूतगढ़ गांव दरअसल आज से काफी सालों पहले उस गांव में भूत प्रेत काला जादू करने वाली डायनों का प्रकोप हुआ करता था, इसलिए उस गांव का नाम भूतगढ़ पड़ गया। लेकिन अब उस गांव के हालात पहले से काफी बेहतर हैं, जिस पर मैंने कहा, भूतगढ़ गांव अभी चलूंगा मगर 50 रुपए लगेंगे। इस पर उस आदमी ने कहा, भाई साहब मेरे पास सिर्फ 40 रुपए ही हैं। 40 रुपए कम नहीं होते थे और ऐसे भी सुबह से मेरी ठीक ठाक कमाई नहीं हुई थी, इसलिए मैं इस भाड़े को हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। जिस पर मैंने उस आदमी को ऑटो में बैठने को कहा और उसके बैठते ही मैंने ऑटो को भगाना शुरू कर दिया। मेरे यहाँ से वो गांव लगभग 27 किलोमीटर का सफर था, जहाँ जाने में मुझे करीबन 1.5 घंटों का वक्त लगने वाला था। क्योंकि मौसम बरसात का था तो मैं ऑटो को धीरे ही चला रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा
तो वक्त हो रहा था शाम के 6:30 बजे का, जिस कारण अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी तक मैंने आधा सफर ही तय किया था, जिस कारण मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। तकरीबन 1 घंटा ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव पहुंचा, तो वो आदमी भूतगढ़ गांव के चौक पर ही उतर गया, जिसके बाद उस आदमी से पैसे लेकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण पूरा रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक मेरे अलावा उस रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर रखा था कि मेरी हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी, और थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वो भी तेज बारिश के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। बीच बीच में गरजते बादलों की आवाज से डर के कारण बार बार मेरी आंखें बंद हो जा रही थीं। तेज छमछमाती बारिश, ऊपर से काली अंधेरी रात रह रहकर एक ऐसे डर का अनुभव करा रही थी जिसे बता पाना शायद मेरे बस के बाहर है। रास्ता काफी खाली होने के कारण मैं ऑटो को काफी तेज भगा रहा था। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं भूतगढ़ गांव के रास्ते से अलग एक और भी ज्यादा वीरान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस जंगल ही जंगल था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे एक बच्चे पर गई, जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर उस बच्चे को देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, और मुझे लगा कि शायद वो बच्चा कोई मुसीबत में है और इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने ऑटो को ठीक उसके पास रोका और उस बच्चे से कहा, क्या हो बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे पापा मेरा आगे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारिश के कारण मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। जिस पर मैंने कहा, इतनी सी बात, तुम ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें आगे छोड़ देता हूँ। इस पर वो बच्चा ऑटो की पिछली सीट पर चढ़कर बैठ गया, और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो भगाकर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे रास्ते के किनारे पर एक आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखते ही मैं समझ गया कि यह आदमी इस बच्चे का पिता है, तो मैं खुद ब खुद ऑटो को उस आदमी के पास ले गया और ऑटो के पिछले सीट पर बैठे उस बच्चे से पूछा, बेटा यही है तुम्हारे पापा? जिस पर उस बच्चे ने अपना सिर हाँ में हिलाया, तो मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप अपने बच्चे को इस तरह रात में अकेला क्यों छोड़ दिए थे, और आप लोगों को जाना है क्या कहीं पर? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे सामने वाले गांव में जाना है। मुझे उस बच्चे पर काफी तरस आ रही थी कि ये बच्चा इस बारिश में अपने घर कैसे जाएगा। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, क्यों ना इन्हें भी लेता जाऊं। ये सोचकर मैंने उस आदमी को कहा, भाई साहब आप भी बैठ जाइए, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी उस बच्चे के बगल में बैठ गया। मगर ऑटो चलाते वक्त मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि ये आदमी और ये बच्चा अलग अलग क्यों खड़े थे, और आखिर इतनी रात गए ये दोनों क्या कर रहे थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी रास्ते पर स्पीड ब्रेकर के कारण मेरी ऑटो उछली, तो ऑटो उछलते ही पीछे से एक भयानक आवाज आई, संभल कर ऑटो चलाओ। ये भारी आवाज को सुनकर मैंने जब RVM यानी कि रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, क्योंकि मेरे पीछे अब ना तो वो बच्चा था और ना ही वो आदमी, बल्कि उनकी जगह पर दो राक्षस बैठे हुए थे, जिनकी शक्ल पूरी तरह से कुचली हुई और उनके मुंह से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा,
जिसके बाद मैंने झट से ऑटो को रास्ते के किनारे रोका और जैसे ही ऑटो से भागने के लिए बाहर निकला तो उनमें से एक शैतान ने अपना लंबा हाथ निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे गले को जोर से दबाने लगा, मगर फिर भी मैं किसी तरह उसके हाथ से अपना गला छुड़ाया और दौड़कर भागने लगा। लेकिन मेरी यह कोशिश भी नाकाम हो गई। मेरे भागते ही डर के कारण कांप रहे मेरे पैर आपस में टकरा गए और मैं जमीन पर जा गिरा। मेरे गिरते ही उस भूत ने मेरा पैर पकड़ा और मुझे जोर जोर से घसीटने लगा। अब मैं अपने बचने की उम्मीद खो चुका था और मैंने अपने आप को लगभग मरा हुआ मान लिया था कि तभी उस भूत ने मेरा एक पैर इतने झटके से खींचा कि मेरा पैर एकदम से उखड़ गया और मैं उसी समय बेहोश हो गया। फिर मेरी आंख दो दिन बाद खुली तो मैं अपने आप को जिंदा देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, मगर मेरा एक पैर उन राक्षसों ने उखाड़ दिया। लेकिन मैं जिंदा कैसे बच गया? पूछने पर पता चला दो तीन लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो राक्षस मेरे पैर को कच्चा चबा रहे थे। किसी तरह उन्होंने उन दोनों राक्षसों को भगाया और मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। फिर उन राक्षसों के बारे में पूछने पर मुझे पता चला कि आज से कई साल पहले दो भाई रात के वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक ट्रक उनको कुचलती हुई चली गई। तब से उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती है और अकेले पाकर लोगों को मार डालती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।